हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 का, दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 4 में सॉल्व किया था, सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ भी है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो टाइम है वो किस में दिया हुआ रहेगा, ईयर्स और मंथ्स के जगह पर डेज में दिया हुआ रहेगा, या मंथ्स का ड्यूरेशन दिया रहेगा वो भी डेज में दिया रहेगा। तो यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन टाइम जो है वो किस में दिया रहेगा, डेज में। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,300 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 146 डेज। यहाँ देख सकते हैं टाइम डेज में दिया हुआ है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। P is equal to ₹1,300, R is equal to 5% and time is equal to 146 days। इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, पता है हम लोगों को वन ईयर में 365 डेज होता है, तो 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर्स में कन्वर्ट। यहां पर एक बात गौर करने वाला है कि जो भी हम लोगों का डेज दिया हुआ रहेगा या निकल के आएगा वो 73 के मल्टीपल में होगा। यहाँ भी 73 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ भी 73 इंटू 2 146 हो रहा है, तो 73 वाले में ही आएगा। अगर 1-2 डेज कम या ज्यादा हो रहा है तो उसी बेसिस पर उसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि 1-2 डेज ज्यादा होगा तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पर। SI इज इक्वल टू P into R into T upon 100, principal is 1,300, rate of interest is 5% and time is 146 by 365 upon 100, 100 से 1,300 13 टाइम में कैंसिल हो गया। फिर इन दोनों को या इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, इन दोनों को ही कैंसिल करते हैं। 73 से दोनों कैंसिल होगा, जैसा कि अभी बताया हम, 73 से 2 टाइम में ये कैंसिल होगा, ये 5 टाइम में कैंसिल होगा, देन 5 से 5 अगेन कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में। 13 इंटू 2 इज 26, ₹26 इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर बोला जा रहा है फाइंड द अमाउंट मीना गेट्स ऑन डिपोजिटिंग ₹1,500 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। 73 डेज के लिए 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ₹1,500 डिपॉजिट करती है कौन, मीना। तो बताना है कि उसको अमाउंट कितना मिल गया, यानी अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल गिवन है कितना, ₹1,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% और टाइम गिवन है 73 डेज। इस टाइम को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर देंगे 73 अपॉन 365 करके, ईयर्स। अब पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, प्रिंसिपल हम लोग का 1,500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और टाइम कितना है 73 बाय 365 अपॉन 100, तो यहां पर 100 दे सकते हैं, कैंसिल हो गया 15 टाइम, ये कैंसिल होगा 73 से 365 5 टाइम्स में, 5 से 15 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, यानी 3 इंटू 8 इज 24, ₹24 हम लोगों का क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालते हैं हम लोग अमाउंट, वही आंसर होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस SI होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज ₹1,500 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹24, दोनों को ऐड करेंगे ₹1,524 हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर बोला जा रहा है व्हाट अमाउंट विल रीना गेट बाय इन्वेस्टिंग ₹4,500 एट 4.12% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम सेप्टेम्बर 8 टू नवंबर 20 ऑफ द ईयर 2015। क्या बोला जा रहा है कि 2015 ईयर में या कोई भी ईयर हो, सेप्टेम्बर से लेकर
नवंबर तक में डेज का नंबर जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर फेब्रुअरी रहता और लीप ईयर रहता तो चेंजेज होता, तो वो हम लोग को सोचना ही नहीं कि अलग अलग डेज हो सकता है मंथ्स में। तो यहां पर सितंबर 8 से नवंबर 20 तक पीरियड दिया हुआ है, टाइम डेज में दिया हुआ है, और अमाउंट निकालना है हम लोगों को। प्रिंसिपल है ₹4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.1/2%। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर मंथ का डेज में दिया हुआ रहता है, जैसे सितंबर 8 टू नवंबर 20 इस तरह का दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना डेज हुआ, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मेरे हैंड में 10 फिंगर्स है, तो 10 फिंगर्स है, तो काउंट करने का क्या तरीका है, वन से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि टोटल फिंगर्स 10 है, तो 10 में से -1 करेंगे और फिर +1 करेंगे। क्योंकि ये 10th फिंगर है, ये 1st फिंगर है, तो लास्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए। 10 -1 इज 9, +1 किए तो 10 आया। इसी तरह से यहां पर डेज में होता है कि सितंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है, सितंबर में 30 डेज होता है, तो 30 -8 करेंगे, +1 करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज इन सितंबर निकलेगा। लेकिन यहां पर आपको +1 नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट डे एक्सक्लूडेड रहता है। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा फर्स्ट डे में, और फर्स्ट डे में ही विदड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सिर्फ यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे सितंबर में 30 -8 डेज। तो देखते हैं क्वेश्चन को। प्रिंसिपल गिवेन है कितना, ₹4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन है 4.1/2%। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2481, 9/2%। अब टाइम की बात आई, टाइम देखना है एक एक मंथ में, सितंबर में कितना हो रहा है, सितंबर इज इक्वल टू हाउ मच, 8 सितंबर से स्टार्ट है, तो 30 -8 करेंगे हम लोग, +1 नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे का पैसा हम लोग को, इंटरेस्ट हम लोग को नहीं मिलेगा। इतना डेज यानी कि कितना डेज हो गया, 30 -8 इज 22, 22 डेज हो गया सितंबर में। अक्टूबर में कितना हो जाएगा, अक्टूबर में हम लोगों का हो जाएगा 31 डेज, और नवंबर 20 तक है, तो नवंबर में कितना हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा 20 डेज। सम इन तीनों का देखेंगे, 213, 235 एंड 273, 73 डेज। हमने बताया था कि 73 के मल्टीपल में अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, 74, 72 इस तरह का आ रहा है, या फिर मल्टीपल में 146 से कम ज्यादा आ रहा है, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पर चेक कर लेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट पहले हम लोग निकाल देते हैं। अमाउंट पूछा गया है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। टाइम को पहले हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, 73 डेज इक्वल टू 73 अपॉन 365 ईयर्स, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 4500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9/2% एंड टाइम इज 73/365। इसको 100 से डिवाइड करना है, कैंसिल होगा 45 टाइम में, 73 165 को 5 टाइम में कैंसिल करेगा, 5 से 45 9 टाइम में कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, ₹99,81/2, 81/2 हो जाता है 40.5, 40.5 मीन्स ₹40.50। निकालने के लिए क्या बोला गया आपको, अमाउंट निकालने के लिए बोला गया। सो अमाउंट इज इक्वल टू P+SI एंड P+SI, P का वैल्यू कितना है, ₹4,500, उसमें हम लोग ऐड करेंगे ₹40.50, सम कितना हो जाएगा, ₹4,540.50, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर बोला गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 एट 4.1/2% पर एनम फ्रॉम 15 मार्च टू 8 अगस्त 2015। तो यहां पर मैंने पहले से लिख दिया टाइम के लिए, प्रिंसिपल ₹3,500 है, रेट 9/2% है, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है, और टाइम कहां से कहां दिया हुआ है, 15 मार्च से 8 अगस्त, तो उसको डेज में मैंने लिख दिया है।
निकालने के लिए क्या बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले डेज को देखेंगे, मार्च में 31 माइनस 15 किया, 31 डेज होता है टोटल मार्च में, 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 31 माइनस 15, प्लस 1 नहीं किए क्योंकि फर्स्ट डे एक्सक्लूडेड रहता है। एग्जाम्पल में आपके बुक में एक क्वेश्चन बनाया हुआ है उसमें प्लस 1 किया हुआ है, वो गलत तरीका है सॉल्व करने का, या तो उसमें डाटा गलत दिया हुआ है या फिर वो सॉल्व गलत किया हुआ, क्योंकि वैसा नहीं किया जा सकता है, फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करना पड़ता है हमेशा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 31 माइनस 15 16 डेज मार्च में होंगे, अप्रैल में 30 डेज होता है, मई में 31 डेज होता है, जून में 30 डेज होता है, जुलाई में 31 डेज होता है, और अगस्त कहाँ तक है, 8 अगस्त तक है, तो 8 डेज हो गया अगस्त में। सबको ऐड करते हैं हम लोग, 617 188 16 का 6 इन एंड 1 1 1 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 146 डेज। यहाँ पर ये भी चेक कर लेना है कि 73 के मल्टीपल में है या नहीं आ रहा है, क्योंकि 73 2 जा 146, तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। डेज को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 146 अपॉन 365 ईयर्स। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हम लोग का, 3500। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9/2% एंड टाइम इज 146 अपॉन 365 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, कितने टाइम में, 35 टाइम में कैंसिल हो गई। फिर 146 और 365 आपस में कैंसिल होगा 73 से, 73 2s are at 73 5s, 5 से 35 कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जा रहा है, कितना बच गया, 7 into 9 is 63, दैट इज आवर आंसर, ₹63 इज द सिंपल इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद के वर्कशीट या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक चैनल के दूसरे वीडियोस को देखते रहें।